Hi, I am Dr. Anubhav Sangwan. I am a laser and laparoscopic surgeon in Apollo Gurgaon Hospitals. So, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन आवर जनरल प्रैक्टिस, व्हाई लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कम इन द सिनेरियो. सो विल स्टार्ट विद कन्वेंशनल सर्जरीज. लाइक पहले हम जो सर्जरी करते थे वो ओपन सर्जरीज होती थी. यू कैन से अगर आपको गॉल ब्लैडर रिमूव कराना है, पित्त की थैली को निकालना है, तो एक बहुत बड़ा इंसिजन लगाया जाता था जो ऑलमोस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर का होता था. कोई भी छोटी सी चीज़ अगर हमें पेट के अंदर से निकालनी है तो इंसिजन, लेट्स से अपेंडिक्स की बात करें हम, तो भी हमें इंसिजन 7 to 10 सेंटीमीटर का देना पड़ता था. और इतने बड़े इंसिजन को से बचने के लिए सीन में आई लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज. सो आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं जिसमें ऑलमोस्ट 1 1.2 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया जाता है और उसी से हम सारी सर्जरीज कर लेते हैं, बी इट अपेंडिसेक्टमी, बी इट हर्निया सर्जरी, बी इट गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी. सो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और आजकल तो अपोलो में हम और भी एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं जिसमें 1 सेंटीमीटर से भी कम का इंसिजन दिया जाता है. सो इंसिजन को कम करने का फायदा क्या है? कन्वेंशनल सर्जरी में बड़ा इंसिजन दिया जाता था जिसको हील होने में 2 to 3 वीक्स लग जाते थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टर रिकवरी, जो यहाँ पे इंसिजन दिया जाता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, विद इन अ वीक हील हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टर रिकवरी. सेकंड, पोस्ट ऑप मॉर्बिडिटी, पोस्ट ऑप पेन. बड़ा इंसिजन होगा, डीपर इंसिजन होगा, आपको पेन ज़्यादा होगा. तो इसीलिए पहले लेप्रोस्कोपिक, पहले जो ओपन गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी होती थी, उसके बाद 2 से 3 दिन तक पेशेंट को एडमिट रखा जाता था. वाइल अभी नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं, 3 से 4 दिन में आप अपनी सर्विसेज रिज्यूम कर सकते हैं. इसमें 3 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाता था, 2 से 3 हफ्ते बेड रेस्ट किया जाता था, तो आपका वो पीरियड बच गया. सो फास्टर रिकवरी, लेस पेन, लो मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी पोस्ट ऑप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जितना बड़ा इंसिजन होगा उतने इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, वाइल जितना छोटा इंसिजन होगा, जितने क्लीन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उतना कम इन्फेक्शन के चांस होंगे. जो थर्ड इज लेस चांस ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. फोर्थ वन इज वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट तो इन नेक्स्ट डे, और पेशेंट कैन रिज्यूम देयर सर्विसेज इन 3 to 4 डेज. दैट मीन्स पेशेंट की कॉस्ट कम हो जाती है. द बोल सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी स्टफ के कारण जो कॉस्ट, सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉस्ट बेनिफिट है कन्वेंशनल सर्जरी में. एंड द लास्ट वन इज सर्जरी के बाद जो हर्निया के चांस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, इंसिजनल हर्निया कहते हैं इसको. किसी भी इंसिजन से हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं बिकॉज हमारा जो प्रोटेक्शन है, जो स्ट्रेंथ है अपनी एब्डोमिनल वॉल की, वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है. सो पोस्ट ऑप इंसिजनल हर्निया के चांसेस कन्वेंशनल टेक्निक में बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइल इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज दी चांसेज आर ऑलमोस्ट निल. सो प्लान फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सर्जरी, चूज लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सर्जरीज. कोई भी आपको सर्जिकल डिजीज हो, फील फ्री टू विजिट हेयर इन अपोलो गुड़गांव, इन सेक्टर 56, सेक्टर 14, सेक्टर 82. गेट ए कंसल्टेशन विद मी एंड गेट इट ट्रीटेड विद एडवांस लेप्रोस्कोपिक टेक्निक्स. थैंक यू.